कर्नल अजय जी, आपने काफी पहले मार्केट टाइम सीवी के माध्यम से ही बता दिया था कि प्याज की क्या रिपोर्ट रहेगी, क्या स्थिति रहेगी। वही स्थिति हमने बनती हुई भी देखी। अब यहां से आपको क्या लगता है, प्याज में कैसा माहौल रहेगा? प्याज में आगे कीमतों में बढ़त रहेगी या मंदी? क्योंकि हमने देखा है कि काफी खबरें निकल के सामने आई है कि महाराष्ट्र के अंदर जो प्याज व्यापारी हैं, उन्होंने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में, ये जो बीच में प्याज की कीमतें बढ़ गई थी, उसमें ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में आयात भी कर लिया। तुर्की और ईरान का प्याज भी अब भारत की प्याज मंडियों में देखने को मिल रहा है। और दूसरा, जो न्यू अराइवल्स हैं वो हम पहले से देख ही रहे हैं। तो आपकी तरफ से अब प्याज पर क्या राय रहेगी, और प्याज के किसान भी जानना चाह रहे हैं कि प्याज का बाजार अब आगे कैसा रहेगा? देखिए अखिलेश जी, आपको याद होगा प्याज जब लगभग 400-500 रुपए क्विंटल की बात कर रहे थे, फसल आने का समय था, उस वक्त सभी लोग बड़ी बात कर रहे थे कि प्याज का तो भाड़ा भी नहीं निकलेगा, किसान परेशान थे। उस वक्त भी हमने कहा था कि प्याज के अंदर घबराने की बात नहीं है, अक्टूबर के आसपास प्याज में तेजी आएगी। और वही जो 400-500 रुपए क्विंटल का प्याज था, वो लगभग 3800 और 3800 और कुछ कहीं तो 4000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ, लगभग 5 से 7 गुना पैसा बना। जी, लेकिन कहा जाता है कि हर चीज का एक समय होता है जी, और वो समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ये कहावत इस पर बिल्कुल चरितार्थ होती है। मैं मार्केट टाइम्स टीवी के सभी दर्शकों को प्याज के ऊपर एक अपडेट देना चाहता हूँ। प्याज आप मेहरबानी करके, हमारी हर कैलकुलेशन ये कहती है, इसको ध्यान से समझ लें और सुन लें। निर्णय आपका स्वयं का है, जैसा करना चाहें वैसा करें। प्याज के अंदर मुझे तेजी अब नजर नहीं आती है जी। प्याज के अंदर धीरे धीरे गिरावट बढ़ेगी, और ये फरवरी मार्च के आते आते इतनी तेजी से गिरेगा कि मुझे पुराना भाव आता जो शुरू में था भाव, उससे भी नीचे चला जाए तो मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। ये एक विशेष अपडेट मैं मार्केट टाइम्स के सभी दर्शकों को दे रहा हूँ, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इसको एक अलग स्पेशल तरीके से हाईलाइट कर दें, ताकि प्याज के जो कारोबारी हैं उनको एक बड़ा लाभ मिले या उनको एक विशेष अपडेट मिले, क्योंकि प्याज एक आमो खास की आवश्यकता है। 2,06,000 मैट्रिक टन का सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक भी बना के रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी 5 से 6 गुना 7 गुना तक प्याज की कीमतें बढ़ी पिछले कुछ महीनों में। लेकिन उसका अब एक एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है, अब धीरे धीरे नीचे आएगा। जिस प्रकार एक इंसान है, यदि उसकी उम्र 50 साल में अलग अलग उसका प्रभाव होता है, 40 साल में अलग होता है, 30 साल में अलग होता है, 20 साल में अलग होता है, 80 साल में अलग होता है, 90 साल में अलग होता है, आदमी सेम ही होता है, लेकिन उसकी अवस्था अलग अलग होती है, उसकी शक्ति अलग अलग होती है। तो प्याज मुझे लगता है कि अब ये 70-75 की आयु में पहुंच चुका है, अब ये धीरे धीरे अपनी अब ये डिक्लाइन की अवस्था में ही रहेगा, उसमें रिकवरी के चांसेस कम है। जी अखिलेश जी, जी तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि प्याज के किसानों के लिए बहुत बड़ी अपडेट दी है कर्नल अजय जी ने, कि अब उनके अनुसार प्याज में तेजी बनती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने हालांकि इससे पहले बताया था कि अक्टूबर के महीने में प्याज की कीमतों में तेजी बनती नजर आ सकती है कुछ समय के लिए। वो रिपोर्ट भी हमने मार्केट टाइम सीवी के माध्यम से आप सबको अवगत कराई थी, और वैसा ही हमने होता हुआ देखा भी था कि बीच में प्याज की कीमतों में अच्छी तेजी बनी थी, जिसमें जो भाव था काफी ऊपर जाता हुआ नजर आया था। 70-80 तक जो रुपए किलो थी प्याज, वो वहां तक जाती नजर आई थी, और उससे पहले प्याज का जो भाव था वो भी इतना देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब कर्नल अजय जी के मुताबिक प्याज की कीमतों में इतनी तेजी देखने को नहीं मिल रही है, और उनके अनुसार मार्च 2022 तक प्याज का जो बाजार है वो और भी ज्यादा गिरता नजर आ सकता है। तो जो ट्रेडर्स हैं प्याज के, जो किसान हैं प्याज के, वो उसी अनुसार अपना निर्णय, अपनी रणनीति बनाकर चल सकते हैं।